हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी शेवरलेट बीट और इस गाड़ी की आज होनी है सर्विस। सर्विस थोड़ी सी अलग है, क्यों? क्योंकि इस सर्विस में आप लोग थोड़ा सा ये देख पाएंगे कि पिछली सर्विस में और इस सर्विस में क्या फ़र्क आता है। फ़र्क से मतलब समझा देता हूँ सीधे सीधे। मोबिल 10W40, लास्ट टाइम अगर आपने सर्विस देखी होगी तो अभी हाल ही में की थी, लगभग मैंने 2 महीने पहले, तो मैंने 10W40 इस इंजन में डाला था। लेकिन दोबारा से अभी मैंने डालने के लिए दोबारा ले लिया है 5W30। ये क्यों लिया है मैंने और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा इस गाड़ी के अंदर, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। और हाँ, MGP का कुछ पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये मारुति का जेन्युइन है और इसमें कहाँ लगता है वो भी इस सर्विस में आपको दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका करना क्या होता है, हमको इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए खाली टब लिया है मैंने, बिल्कुल साफ है। अब इसको लगाएंगे नीचे और इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। इंजन ऑयल ड्रेन करके फिर आपको दिखाऊंगा कि उस ऑयल में और इस ऑयल में फ़र्क क्या था, और साथ में गाड़ी चलाने में परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया वो भी दिखाऊंगा। रीज़न क्या है मेरा दोबारा से 5W30 की तरफ शिफ्ट होने का, वो भी आप लोग समझ जाएंगे। मोटा मोटा लोग कहते हैं कि साहब 1 लाख किलोमीटर चल जाती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा चल गई तो इंजन आवाज़ कर देता है, फिर मोटा ऑयल डालना चाहिए, तो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए वो भी इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होगा। 15mm सॉकेट और ये बोल्ट ड्रेन नट ऑलरेडी मैंने लूज कर लिया। इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट निकाल लिया। अब जितनी देर इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है हमको खोलना है इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर की लोकेशन ये है। ऑयल फिल्टर खोलने के लिए सॉकेट 32mm एक एक्सटेंशन और साथ में ये बार। गया जी ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर में दो रिंग इम्पॉर्टेंट, एक ये नीचे लगा हुआ और एक ये ऊपर। अभी चेंज करेंगे तो दिखाएंगे, पहले इसको साइड में रख देता हूँ। ये ऑयल दिख रहा है, इसको भी खाली कर लेंगे। फ्यूल फिल्टर की लोकेशन यहाँ। पहले व्हील को लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आराम से आप जा पाओ। ये है फ्यूल फिल्टर की लोकेशन यहाँ पे। और इसको खोलने के लिए चाहिए 36mm सॉकेट। इससे इसको खोलेंगे और फिर निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब ये निकाल दिया हमने इसका फ्यूल फिल्टर ये, और कुछ ये निकला इसके अंदर से कचरा। फ्यूल फिल्टर की हालत ख़राब है। एक्चुअल में होता क्या है, इस बीट का जल्दी फ्यूल फिल्टर मिलता नहीं है, ओरिजिनल के नाम पे इम्पोर्टेड बोल के मिलता है। लेकिन इस बार मैंने इसका सब्सिट्यूट निकाल दिया है, वो भी आप लोगों को बताया था सब्सिट्यूट क्या है। इसका सब्सिट्यूट है ये MGP का ओरिजिनल मारुति का फिल्टर। अब ये है कौन सी गाड़ी का वो भी बताता हूँ आपको कि किस गाड़ी का सेम मैच कर जाएगा इसमें, वो दिखाता हूँ। पहले ये फिल्टर साइड में रखता हूँ और इसकी पैकिंग खोलते हैं। ये है जेन्युइन MGP और इसका साइज और इसका साइज बिल्कुल सेम है। ये आ गया MGP का फिल्टर और ये आ गया जी हमारा बीट का फिल्टर। दोनों सेम है, बिल्कुल आराम से फिट हो सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जेन्युइन हम लगा रहे हैं और ये हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लोकल लगाना पड़ता है, और जेन्युइन ढूंढने जाएं तो फिर काफ़ी कॉस्टली मिलता है। फिलहाल ये किस गाड़ी का है ये बताता हूँ मैं आपको। ये है स्विफ्ट का। स्विफ्ट जो 18-19 मॉडल आता था 18-19 वाला, उस वाले मॉडल का सेम आप लगा सकते हो बीट के अंदर। तो अभी इसको फिट कर लेते हैं इसी फिल्टर को। फिल्टर अभी यहाँ फिट कर दिया मैंने और ये रबड़ रिंग लगा दिया। रबड़ रिंग पे थोड़ा सा ग्रीस लगाना ज़रूरी होगा ताकि फिटमेंट में इजीली ये फिट हो जाए। अब बस सिंपल हमको करना है इसको यहाँ पे फिट। अभी बारी है इसका ऑयल फिल्टर चेंज करने की। तो ऑयल फिल्टर मैं लगा रहा हूँ कौन सा, महले पॉलीटर का। जैसे फ्यूल फिल्टर फिट किया था लगभग उसी तरह से इसको भी फिट करना होगा। रबड़ रिंग का ध्यान देना है, ये रबड़ रिंग जो है ये लगे रहने चाहिए और इस पर हल्का सा ग्रीस भी अप्लाई कर देंगे ताकि फिटमेंट प्रॉपर हो। बस सिंपल है, इसको लगाते हैं। फिल्टर फिट कर दिया हमने इस बॉडी में और अब इसको इजीली हम यहाँ पे लगा देंगे। प्लास्टिक थ्रेड है इसलिए धीरे धीरे बैठाने का, धीरे धीरे चलाते रहेंगे, रबड़ अंदर जाएगी फिर उसके बाद एक लेवल पे आने लग जाएगी। अभी टाइम है इसके एयर फिल्टर चेंज करने का। एयर फिल्टर के 2 पेच खोल दिए हैं और 2 ये बचे हुए हैं। ये आ गया हमारा एयर फिल्टर और
एयर फिल्टर वैसे क्लीन करके काम चल सकता है अभी। ओहो बहुत ज़्यादा डस्ट, इसको क्लीन कर देंगे एयर से, अभी ये क्लीन हो जाएगा। देख रहा है अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा गंदा हुआ नहीं है, क्योंकि गाड़ी चली है सिर्फ 5000 कुछ किलोमीटर और नया चेंज किया था मैंने ये वैक्यूम क्लीनर। अब इसको चेंज कर देंगे, ब्लोअर मोड में एक्टिवेट करेंगे। क्लीन हो गया एयर फिल्टर, एयर फिल्टर वापस लगा देंगे बस। वैसे एयर फिल्टर मैंने लिया हुआ था, अगर ज़रूरत होती ख़राब होता तो मैं इसको चेंज कर देता, लेकिन अभी इसको चेंज करने जैसी ज़रूरत नहीं है। अभी एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया और पीछे हमारा फ्यूल फिल्टर भी हो गया, फिल्टर सारे चेंज हो गए। अब मेन पॉइंट है हमारा इंजन ऑयल का, कूलेंट एक बार देख लेते हैं कूलेंट लेवल पर, और इसका मिनिमम मैक्सिमम ये होता है। एक भाई साहब कमेंट में पूछ रहे थे तो उनको मैं दिखा देता हूँ कि साहब ये देखिए ये होता है इसका मार्क कूलेंट का, तो यहाँ तक इसको रहना ही चाहिए। खोल के भी चेक कर लिया कूलेंट है। और चीज़ आती है इसका ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल का लेवल दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है मैक्सिमम लेवल, तो भी मैक्सिमम तक ही है, यानी कि बराबर है, कोई भी ब्रेक ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, कूलेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अब मेन पॉइंट हमारा इंजन ऑयल, और मैंने इंजन ऑयल चेंज क्यों किया अब वो बताता हूँ आपको। पहले डाला था मैंने ये 10W40, क्योंकि कहते हैं कि साहब इंजन पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा मोटा ऑयल डाल के बोल के 10W40 डाल दीजिए, अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। मेरा परफॉर्मेंस इसके पीछे क्या रहा, परफॉर्मेंस गाड़ी का अच्छा नहीं रहा, गाड़ी थोड़ा बहुत इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही थी लेकिन वो कंज्यूम चलता रहा। वो एक्चुअल में इंजन की वजह से कंज्यूम नहीं हो रहा था, टर्बो की वजह से थोड़ा बहुत था, लेकिन वो उतना ही रहा, और मुझे तो ऐसा फील हुआ उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो ये इंजन ऑयल मैं अब चेंज कर रहा हूँ। अब निकला कैसा है इसका इंजन ऑयल, कितना निकला है वो एक बार देखते हैं। ये आ गया जी इंजन ऑयल हमारा, ड्रेन नट लगा देंगे। ये है इंजन ऑयल, और चला हुआ कितना है, ये चला हुआ है सिर्फ 5000 के आसपास, 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर में इसको मैंने जल्दी चेंज किया क्योंकि ये हो रहा था कम। अब कम होने के बाद इसकी 1 लीटर की पैकिंग मुझे नहीं मिली, अभी है कैसा ये दिखाता हूँ आपको। मतलब इसमें कुछ स्ट्रेंथ बची नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंजन ऑयल मुझे यूज़ करना चाहिए था फिलहाल, लेकिन ये टेस्ट हो गया। अब इसको मैं देखता हूँ ये है कितना नाप के। मेरा जो गेज है 3.5 लीटर का यही ऑयल था, इसमें एक बार डाल देते हैं, इसमें खाली करता हूँ तो पता चल जाएगा कि कितना इसने कंज्यूम किया, कितना ऑयल बचा। ऐसे ऑयल दिख तो कम ही रहा है, बस ये हालत है इसकी। और बचा कितना है ये देखिए मार्क, 2 लीटर और आधा 2.5 लीटर, लगभग 1 लीटर इंजन ऑयल अभी इसमें कम हो गया, और इससे पहले कितना कम होता था, अप्रॉक्स 0.5 लीटर के आसपास। तो ये मेरे हिसाब से तो कुछ इसने ऐसा फ़र्क किया नहीं। और एक चीज़, जब इसको मैंने डाला तो गाड़ी का माइलेज काफ़ी गिर गया, माइलेज अभी जो गाड़ी दे रही है अप्रॉक्स 16 के आसपास दे रही है, लेकिन इसको 20 अप्रॉक्स देना चाहिए माइलेज। अब देखूंगा कि माइलेज मेरा दोबारा रिवाइज होता है क्या जो पहले माइलेज था। और अब जो इंजन ऑयल डालने जा रहा हूँ, मोबिल सुपर 1000 फ्रिक्शन फाइटर 5W30, और ये जो इसका रिकमेंडेड इंजन ऑयल है वही डालने जा रहा हूँ। MRP इसकी होती है 1572, मुझे मिला है ये 1360 रुपये में, यानी 1360 में। कूपन कहाँ होगा वो भी दिखा देता हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। यहाँ पे निकलेगा आपका कूपन, ओह कूपन में निकले 60 रुपीज़, तो 1360 का था तो माइनस हो गए ये 60 रुपये। सील देख लिया आपने, ये सील देख लो भाई साहब, ओरिजिनल है। इंजन ऑयल डालने से पहले ध्यान रखिए कि ड्रेन नट लगा हुआ हो, अभी ड्रेन नट हमने लगा दिया है, टाइट कर दिया। अब डाल रहे हैं इसका इंजन ऑयल,
और इंजन ऑयल की कैपेसिटी इसकी अप्रोक्स 3.5 लीटर के आसपास है, लेकिन ये जो कैन है हमारी, ये हमारी कैन है 4 लीटर की, तो हम इसमें से 0.5 लीटर करीब बचा लेंगे। अभी इंजन ऑयल अप्रोक्स मैंने बचा लिया लगभग 700-800 ग्राम के आसपास, ये सीधा। और अब जब इसको एक बार मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, तो उस समय स्टार्ट करने से पहले लेवल चेक करेंगे, फिर अगर कम होगा ज़्यादा होगा तो फिर इसको बाद में टॉपअप करेंगे। तो अभी कंप्लीट हो गई इस गाड़ी की सर्विस, और आप लोगों ने देख लिया कि इंजन ऑयल मैंने चेंज किया था, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, और अब एक बार करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। थोड़ा सा लंबा सेल्फ लेगी, फाइनली गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, और अभी साउंड भी अच्छी है। अब देखूंगा कि इसका ऑयल कंजम्पशन कितना होता है। तो फिलहाल कंप्लीट हो गई इसकी सर्विस, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।